हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसे वाईफाई कैमरा का जिसको ऑनलाइन करने के लिए किसी भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट या फिर किसी मोबाइल या डोंगल के थ्रू हॉटस्पॉट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये 4G सिम बेस्ड कैमरा है। आपको एक 4G सिम इस कैमरा के अंदर डालना है और ये कैमरा ऑनलाइन हो जाएगा। आप कहीं पर भी इस कैमरा को चला सकते हो, अपने मोबाइल पर देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। एक तो हमें इसके साथ स्टैंड मिल जाता है, वॉल माउंटिंग किट मिल जाती है। ये फुली मेटल बॉडी में आता है दोस्तों कैमरा। दो एंटीनाज लगे होते हैं इसमें इसकी वाईफाई रेंज के लिए, और हमें मिल जाती हैं 6 लाइट्स इसमें, जिसमें से 2 इंफ्रारेड लाइट्स हैं जो रात को काम करती हैं, और 4 स्पॉट लाइट्स हैं जो मोशन पर काम करती हैं, कैमरा को रात को भी कलर करने में मदद करती हैं इस कैमराज की। और दोस्तों, यहाँ पर जो 4 स्क्रू दिए हुए हैं, इसमें सिम और हमारा कार्ड लगता है, एसडी कार्ड, और यहाँ पे हमारी वॉल माउंट लग जाता है, हमारे जो नीचे 2 स्क्रूज दिए हुए हैं। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इस कैमरा के वायर्स की, जो साथ में होती हैं लगी हुई, उनका क्या फंक्शन होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ उसके बारे में। तो सबसे पहले गाइस, ये जो बिल्कुल छोटी वायर दी हुई है, ये रीसेट की वायर है। इसमें एक छोटा सा अंदर बटन लगा होता है, इसको आप प्रेस करके आप कैमरा को रीसेट कर सकते हो। इसके बाद बारी आ जाती है ये लैन पोर्ट है वाली वायर की दोस्तों। ये NVR के साथ कनेक्ट करने के लिए है, और साथ में ये DC जैक दिया हुआ है 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का। आप किसी भी अडप्टर से लगा के इसको, जो कि 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का है, उससे ऑनलाइन कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इसमें सिम और SD कार्ड हम कहाँ डालते हैं। सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर के साथ, इसके चारों जो स्क्रू हैं उसको ओपन करेंगे। और दोस्तों, आपको सिर्फ एक 4G सिम लेना है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो इसको ऑनलाइन करने के लिए, और ये आपका कैमरा ऑनलाइन हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको ऑनलाइन करेंगे फिर। तो अभी हमने ओपन कर लिया दोस्तों, ये प्लास्टिक बैंड हम निकाल देंगे यहाँ से। तो इसमें 2 पोर्ट्स दिए हुए हैं दोस्तों, अभी मैं दिखाता हूँ आपको दोनों पोर्ट्स। एक में SD कार्ड डलेगा मेमोरी कार्ड रिकॉर्डिंग के लिए, और एक में सिम कार्ड डलेगा हमारा नेट ऑन करने के लिए। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, ये पोर्ट हमारा सिम वाला है, और यहाँ पे हमें SD कार्ड का पोर्ट दिया हुआ है बिल्कुल छोटा सा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, SD कार्ड वाला पोर्ट कौन सा है और सिम वाला पोर्ट कौन सा है। तो अभी मैं आपको सिम इसके अंदर इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो ये हमने सिम लिया है एक, और ट्वीज़र से पकड़ के हम इसको कैमरा में इंसर्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम कैमरा से सिम को इंसर्ट कर रहे हैं। ये हमारा सिम, आपको बहुत ध्यान रखना दोस्तों सिम इंसर्ट करते समय। ये हमने ट्वीज़र से अपना सिम लगा दिया है अंदर, और यहाँ पे हमें SD कार्ड का पोर्ट दिया हुआ है एक जो आगे है, इससे हम अपने कैमरे को आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। और फिर यहाँ से हम स्क्रू इसके दोबारा से इसको लगा देंगे, और ये है हमारा 4G सिम बेस कैमरा। तो वैसे ही हम दोस्तों इसके जो स्क्रूज़ हैं वो हम लगा देंगे दोबारा, इसको बंद कर देंगे प्लास्टिक बैंड को। तो गाइस, अभी हम मैं दिखाता हूँ आपको जो इसके साथ वॉल माउंटिंग किट आती है छोटी सी, उसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम उसको लगा सकते हैं किसी दीवार पे। तो देखिए, ये जो नीचे 2 बड़े स्क्रूज़ दिए हुए हैं दोस्तों, ये स्क्रूज़ भी साथ में ही आते हैं कैमरा के। इन 2 स्क्रूज़ पर हम ये वॉल माउंटिंग किट को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें मटेरियल भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, बिल्डअप क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस कैमरा की। ये फुल मेटल बॉडी में कैमरा है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये हम स्क्रूज़ यहाँ पे लगा देंगे, इसकी वॉल माउंटिंग किट अभी रेडी हो चुकी है, तो ये हैंगिंग करने के लिए तैयार है बिल्कुल। कहीं पर भी हैंग कर सकते हो आप इस कैमरा को। ये काफ़ी मॉन्स्टर कैमरा लगता है, वॉल माउंटिंग किट लगाने के बाद काफ़ी बड़ा कैमरा लगने लग जाता है, बिल्कुल मॉन्स्टर लुक दे देता है ये स्टैंड इसको। तो अभी हमने ये स्टैंड लगा दिया है हमारे कैमरा पे। तो देखिए, इसको आप मूव करा सकते हो कहीं पे भी, स्टैंड को आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी आप मूव करा सकते हो जी। तो ये रहा हमारा स्टैंड हमारे 4G कैमरा के साथ, सिम कैमरा के साथ। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको ऑनलाइन करते वक्त आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए पीछे दोस्तों, इस कैमरा के ना एक स्टिकर लगा होता है छोटा सा, वो भी आप ध्यान से देखेंगे इस कैमरा को। पासवर्ड दिला दे, हमारा कैमरा है, इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है HK40।
और आपने ध्यान रखना है वाईफाई की, ये जो लिखी है 1 से लेके 0 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये वाईफाई की दोस्तों इसका पासवर्ड है। जब हम कैमरा को इंस्टॉल करेंगे मोबाइल पे तो ये हमें पासवर्ड इसका पूछेगा, तो हमें वहाँ पे ये पासवर्ड इंसर्ट करना होगा। दोस्तों ये हमने यहाँ पे हमारा कैमरा इंस्टॉल कर दिया ऑलरेडी, 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का अडैप्टर लगा दिया हमने और कैमरे की पावर को ऑन कर दिया है, और अभी हमारा कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में। और ये हमने DC जैक डाल दिया इसके 12 वोल्ट 2 एम्पीयर जैक में। देखिए दोस्तों जब भी कैमरा ऑन होता है एक बार लाइटिंग इसकी स्टार्ट होती है। ये अभी जो आपको पिंक कलर की दो लाइट्स दिख रही हैं ये इन्फ्रारेड लाइट्स हैं, एक्चुअली ये वाइट कलर की लाइट्स हैं, कैमरा की वजह से ये पिंक कलर की दिख रही हैं आपको, ये इन्फ्रारेड लाइट्स हैं। और बाकी की जो चार लाइट्स हैं वो स्पॉट लाइट्स हैं, मोशन पे चलती हैं जो। अभी हम कैमरा को रीसेट कर रहे हैं एक बार, अभी रीसेट हो जाएगा कैमरा हमारा, और रीसेट होने के बाद हम इस कैमरा को इंस्टॉल करेंगे हमारे मोबाइल में। तो अभी रीसेट हो चुका है दोस्तों हमारा कैमरा रीसेट बटन से। देखिए गाइस इसकी अब लाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं। तो अभी कैमरा को इंस्टॉल करने के लिए हमें मोबाइल में केयर कैम ऐप डाउनलोड करना होगा, तो आइए चलिए करते हैं मोबाइल में इसको इंस्टॉल, इस वाईफाई कैमरा को। तो गाइस सबसे पहले हम अपने मोबाइल में केयर कैम प्रो ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अभी मेरे में मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसको हम प्लस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले ऊपर प्लस का जो साइन आ रहा है ऐड डिवाइस का, अब ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ऐड डिवाइस, ऐड डिवाइस पे दोस्तों क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे AP कनेक्शन की ऑप्शन आ रही है सबसे फर्स्ट, तो हम AP कनेक्शन को चूज़ करेंगे। AP कनेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कैमरा रीसेट कर सकते हो और टिक लगा देंगे हम आई हर्ड द वॉइस पर और नेक्स्ट करेंगे। इसको जो मैंने आपको वीडियो में बताया था उसको रीसेट कर सकते हो आप कैमरा वैसे। अब इसको सेटअप वाईफाई पे क्लिक करेंगे। सेटअप वाईफाई पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे कैमरा का ID शो होगा, ये देखिए केयर कैम का ID शो हो रहा है, इसको आप कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही आपकी ID कनेक्ट हो जाती है तो आप बैक करेंगे इसको और आपका कैमरा ऑन हो जाएगा आपके मोबाइल पे। अभी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कनेक्टिंग विदाउट इंटरनेट, तो देखिए यहाँ पे हमारा कैमरा ऑन हो चुका है। तो गाइज अभी हम इस कैमरा को ऑनलाइन करेंगे जो हमने इसमें सिम डाला था उसके थ्रू। अभी सेटअप वाईफाई पे क्लिक करेंगे बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हमने जो सिम डाला था उसके थ्रू हम इसको ऑनलाइन करेंगे। ये देखिए सबसे पहले ID है MIFI, उसको हम कनेक्ट करेंगे कैमरा के साथ। ये कैमरा की ID है दोस्तों, अभी मैं दोबारा दिखा देता हूँ। सेटअप वाईफाई पे क्लिक करेंगे बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पे, अभी ये कैमरा की ID को उठाएगा। कैमरा की ID है बाय डिफॉल्ट MIFI जो सबसे फर्स्ट में शो हो रही है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे MIFI में ID पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पासवर्ड हमें पूछेगा, ये पासवर्ड हमने जो आपको दिखाया था फर्स्ट में, ये बिल्कुल पासवर्ड आपको 1 से लेके 0 तक डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जो कि बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है कंपनी की तरफ से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जो स्टिकर लगा होता है कैमरा के बैक साइड पे उस पर मैंशनड होता है ऑलरेडी। तो अभी दोस्तों ये हमारा जो कैमरा है ये कनेक्ट हो रहा है हमारे सिम के साथ, जो सिम हमने कैमरा में ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं उस सिम के साथ ये हमारा कैमरा कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट होने के बाद आप कहीं पे भी इस कैमरा को देख सकते हो अपने मोबाइल पे, चाहे आप कैमरा से कितने भी दूर हों, बस आपके मोबाइल में इंटरनेट चाहिए और सिम में इंटरनेट हमारा चल ही रहा है जो हमने कैमरा में डाला है, इसलिए कैमरा ऑनलाइन हो जाएगा बिल्कुल। अभी देखिए ये 100% होगा और हमारा कैमरा ऑनलाइन हो जाएगा उसी सिम पर। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो कैमरा को, ऑफिस, शॉप, किचन, या अपनी तरफ से भी कोई नाम रख सकते हो कैमरा का। अभी मैंने ऑफिस कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। तो गाइज ये हमारा कैमरा जो हमने सिम डाला था कैमरा में उस पे ऑनलाइन हो चुका है हमारे मोबाइल पे। तो देखिए ये है हमारा कैमरा, इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है दोस्तों, ये 2 MP का कैमरा है, 1080p रेजोल्यूशन पे ये स्टार्ट होता है। और इस कैमरे में मैंने आपको बताया था 2 इंफ्रारेड लाइट्स हैं जो रात को काम करती हैं, और 4 स्पॉट लाइट्स दी हुई हैं जो कि मोशन डिटेक्शन पे काम करती हैं और कैमरा को रात को भी कलर कर देती हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे मोशन लाइट्स की ऑप्शन को। तो अभी सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा दोस्तों आपको। अभी देखिए यहाँ पे ये हमारा कैमरा ऑन हो चुका है, हमारा कैमरा चल रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे हम डायरेक्शन तो इसकी कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में ये रखनी है, ये रोटेट नहीं होता दोस्तों कैमरा। तो अभी हम इसकी ये रोटेट नहीं होता, आपको एक बार में ही सेट करना होगा इसको वॉल माउंट के साथ, आप कैसे भी इसको सेट कर सकते हो। इसकी रोटेशन इसमें नहीं दिया हुआ रोटेशन का ऑप्शन,
इसलिए आपको ये 360 पे कैसे भी लगा के आप इसको सेट कर सकते हो कैमरा को। तो गाइज अभी इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे सबसे फर्स्ट ऑप्शन, और सबसे नीचे डेट एंड टाइम का ऑप्शन है, यहाँ पे आप GMT 5:30 कोलकाता पे क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे इसको। इसके बाद SD कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें दोस्तों, अगर यहाँ पे आपने SD कार्ड डाला तो आप फॉर्मेट कर दीजिएगा। और फिर हम आएंगे अलर्ट सेटिंग में, अभी हम दोबारा से सेटिंग खोलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ मोशन डिटेक्शन कैसे इसका जो है वो काम करता है। तो अभी आपको सेटिंग पे क्लिक करना है जो कि सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दी हुई है, तो आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलर्ट सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप मोशन डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन ऑन कर सकते हो, और अब जब भी इसके सामने कोई मूवमेंट होगी तो ये कैमरा ऑलरेडी कलर्ड हो जाएगा। यहीं से आप इसको हटा भी सकते हो अगर आपको नहीं जरूरत है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।